सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का ट्रिक्स लेकर आया हूँ सिम स्वाइप। सिम कार्ड अगर स्वाइप करके कोई चला रहा है दूसरा, या तो आपके नाम से कोई सिम चला रहा है, तो आप बहुत बुरे तरीके से फंस सकते हैं। और इसके बचने के लिए मैंने एक वेबसाइट लेकर आया हूँ, जो वेबसाइट सरकार खुद ने लाई है, जो आप लोग को अगर नहीं मालूम होगा तो उस वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपके नाम से कोई गलत सिम तो नहीं चल रहा है, और गलत सिम चल रहा है तो उसको कैसे बंद करना है। सो मैं फुल डिटेल्स में इस वीडियो में बता रहा हूँ, तो आप वीडियो फुल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अभी मैं स्टार्ट करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ पे अभी मैं लैपटॉप के स्क्रीन ऑन कर दिया हूँ और आपको यहाँ पे जो लिखना है वो मैं लिख देता हूँ अभी फटक से, ठीक है। तो देखिए, टफकॉन पोर्टल लिखना है और आपको सर्च पे क्लिक करना है। टफकॉन पोर्टल पे सर्च करेंगे, उसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। फर्स्ट में ये आपको लोगो दिख जाएगा, देख सकते हैं ये लोगो दोनों तरफ से हाथ खड़ा किया है, ये भारत सरकार का ही लोगो है, ठीक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद इसका इंटरफेस इस तरीके से खुलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, संचार मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। तो दोस्तों इसका इंटरफेस आप भी देख लेना, कोई गलत वेबसाइट मत खोलना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने को आएगा और यहाँ पे कैप्चा कोड, जो ये कैप्चा कोड है, उसके बाद जो इस नंबर पे यहाँ जो OTP आएगा ना, वो यहाँ पे डालना रहेगा और लॉगिन पे क्लिक करना है। तो चलिए अभी मैं पहले आपको भर के दिखा देता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों अभी मैं नंबर अपना डाल देता हूँ, यही नंबर डालना है जो आपके पास है। उसके बाद तुम पूरा नंबर चेक कर सकते हो कि आपके पास कितने नंबर चालू है, ठीक है। तो चलिए अभी मैं नंबर डाल दिया हूँ। उसके बाद कैप्चा कोड इसका बहुत आसान रहता है जो भरना, ठीक है। तो कैप्चा कोड मैंने भर दिया हूँ, उसके बाद वैलिड डाटा पर क्लिक करना है और देख सकते हैं कि मुझे मैसेज मिल चुका है। मैसेज मिलने के बाद दोस्तों मैं मैसेज जो आया है वो मैं डाल देता हूँ यहाँ OTP में, ठीक है। OTP मेरा है सो मैं बताऊँगा नहीं, क्योंकि सबका एक पर्सनल OTP होता है। तो मैंने डाल दिया और यहाँ लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। सो फ्रेंड, इसका इंटरफेस इस तरीके से आएगा और यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं कि इस मेरे आधार कार्ड पे अभी एक ही नंबर है जो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन अगर आपका कोई फ्रॉड या स्कैम करके कोई अगर नंबर निकाल लिया तो यहाँ पे नीचे दिखने लगेगा जितना सारा नंबर होगा। इसी तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि भारत सरकार ने अभी बहुत ये लागू कर दिया कि आपके नंबर से अगर कोई सिम दूसरा चला रहा है, कोई फ्रॉड करता है, तो आपको 5 साल का सज़ा हो सकता है, फर्स्ट बार में 50,000 का जुर्माना भी लग सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसके बचने के लिए मैं ये ट्रिक्स आप लोगों को लेके आया हूँ, और ये ट्रिक्स जानने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। देखिए, ये आपका नंबर है, उसके बाद इतना ही दिखेगा, बीच में नहीं दिखेगा। उसके बाद नोट माई नंबर अगर बंद करना होगा तो यहाँ नोट माई नंबर पर क्लिक करना है। ये मेरा नंबर नहीं है लेकिन मेरे आधार कार्ड पे शो कर रहा है, मतलब आपके आधार कार्ड द्वारा लिया गया है। तो यहाँ से नोट माई नंबर शो करके रिपोर्ट कर सकते हैं इससे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नोट रिक्वायर्ड, मतलब आपका सिम था बट बंद हो चुका है, तो इसको रिक्वायर्ड फॉर रिपोर्ट करोगे तो भी बंद हो जाएगा, और रिक्वायर्ड है तो यहाँ से नंबर ऐसे सेलेक्ट करके, ठीक है, यहाँ से सेलेक्ट करके रिक्वायर्ड करोगे तो वही नंबर आपका ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर डाल के यहाँ ट्रैक पर क्लिक करेंगे ना तो ट्रैक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यही ट्रिक्स मैं आप लोग के लेके आया हूँ, जो आपको फ्रॉड या स्कैम होने से बचा सकता है, क्योंकि ऐसा स्कैम होगा दोस्तों तो आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है, और अचानक आप फंस जाओगे। इसके लिए मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ, और ये वीडियो आपको 2024 में कोई नहीं बनाया होगा, सिर्फ आपको पावर ऑफ टेक्निक यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। इसके लिए दोस्तों मैं आप लोग के लिए एक छोटा भाई हूँ, जो कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। हर तरीके का मैं एक टेक्निक वीडियो बनाते रहता हूँ जो आपको हेल्पफुल होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं रखता हूँ।